हॉर्स ट्रेडिंग किया गया, उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं, उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं। अरे भाई, हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह हैं ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में बहुमत से कल एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आरजेडी के लोगों ने जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। जदयू के विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश की गई है। कितने रुपए दिए गए, 10 करोड़ की बातें कही जा रही हैं कि 10 करोड़ रुपये में खरीदने की कोशिश की गई। जब भाई वीरेंद्र से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा खुलासा कैमरे पर कर दिया, कौन किसको खरीद रहा था, किसकी बोली कितने में लग रही थी, उस पर भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। भाई वीरेंद्र बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लोगों पर बड़ा आरोप लगा है खरीद फरोख्त का, खरीद रहे थे लोग। अरे आप तो अपने अपने आंखों से देखा है, आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है, आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के 3 विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया, आप गवाह हैं। तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे FIR तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। तो ये तो सरकार है और पलटीमार सरकार है, आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। सम्राट चौधरी ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा दे कर, चाहे जैसे भी हो, मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है। इस तरह का आरोप से बचना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है, सलाहकार के नाम पर माल वसूलने के लिए, माल वसूलने के लिए। और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। चेतन आनंद ने कहा कि आप लोग भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चेतन आनंद ने कहा आप लोग अपमान कर रहे थे, इस वजह से वो छोड़ दिया। अरे छोड़ा यार, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।